मैं अपने ऑफिस जाने लग रहा था अचानक पीछे से मेरी पत्नी सुमन बोलती है अजी सुनते हो जी क्या हुआ मैं ये बोल रही थी कि पापा जी अब रहे नहीं और माँ जी गांव में अकेली रहती है मैं सोच रही थी कि माँ जी को अपने साथ ले आए वह अकेले वहां कैसे रहेगी इस उम्र में उनके साथ कोई तो होना जरूरी है मैं अपनी पत्नी का ये रूप देखकर हैरान रह गया क्योंकि सुमन वो नहीं जो मेरी पत्नी है मेरी पत्नी अचानक से कैसे बदल गई ये सोचकर वह चिंता में रह गया सुमन तुम्हें कब से माँ की चिंता होने लगी देखो जी पहले कुछ और बात थी पहले आपके पिताजी और माँ जी साथ रहते थे लेकिन अब माँ अकेली है तो बेचारी अकेले कैसे रहेंगी मैं बस यही सोचती रहती हूँ बुढ़ापे में कोई तो साथ रहना जरूरी है और आपकी बहन और गांव के रिश्तेदार हमें बोलेंगे कि कैसी बहू है एक सांस भी अपने पास नहीं रखी गई ना जी ना मैं नहीं सुन सकती ऐसे ताने आप जल्दी से जाकर माँ जी को ले आना इतना बोलकर वह घर में चली जाती हैं रमेश इतना सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि रमेश ने अपने पत्नी का ऐसा रूप नहीं देखा था क्योंकि उसकी पत्नी उसकी माँ के साथ बहुत खराब व्यवहार करती थी अचानक से बदलाव देखकर मैं हैरान था मैं अपनी पत्नी की बातों को सोचकर मैं अपनी माँ को लेने चला गया माँ कैसी हो तुम बेटा ठीक हूं मैं आपको लेने आया हूँ बेटा तुम मेरी चिंता करते हो मुझे पता है लेकिन सबको पता है तुम्हारी पत्नी का व्यवहार मेरे लिए सही नहीं है तुम्हारे पापा की पेंशन मिलती है मैं अपना खर्चा चला लेती हूँ तुम टेंशन ना लो ये सुनकर रमेश के मन में ख्याल आता है कि कहीं सुमन मां की पेंशन की वजह से तो ना मां को घर बुला रही है फिर भी रमेश बोलता है कि नहीं वह ऐसे ही बोल रही होगी उम्र हो गई है मां की तो अब हमें घर पर बुला लेना चाहिए मासूमन बोल रही थी कि माँ जी का अकेले रहना सही नहीं है कभी भी कुछ भी हो सकता है कौन आएगा ऐसे में काम अपने ही तो आते हैं इतना सुनकर माँ का दिल भी पिघल जाता है और बोलती है ठीक है मैं भी अकेले यहाँ कब तक रहूँगी बहु सही कह रही है फिर मैं सब कुछ नौकरों के भरोसे छोड़ देती हूँ और घर को किराए पर चढ़ा देती हूँ अब माँ घर आ जाती हैं माँ जी आप आ गए बहुत अच्छा किया उसका पोता उसे देखकर बहुत खुश हुआ उसके पोते पोती दादी दादी करते नहीं थकते थे माँ भी बच्चों में खुश थी माँ घर के छोटे छोटे काम भी कर लिया करती थी कुछ दिन ऐसे ही चल रहा था एक दिन माँ बर्तन साफ कर रही थी मैंने कहा माँ क्या कर रही हो बेटा थोड़ा सा काम है बहु बच्चों को दूध पिला रही है इसलिए इतना मेरे हाथ पैर चलते हैं कर लेती हूँ अब सुमन धीरे धीरे माँ से सारे काम कराने लगी और बच्चों की देखभाल भी माँ ही करने लगी सुमन अपने बाहर घूमने में मस्त रहने लगी एक दिन माँ की तबीयत खराब थी माँ की दवाई भी खत्म हो गई थी माँ ने कहा बहू रमेश को बोल देना मेरी दवाई ले आएगा कहाँ से आपकी दवाई ले आए अपना ही खर्च ना चल रहा है आज बोल दूंगी ले आएंगे आगे से देख लेना रमेश को बोल दिया देखो जी अब माता जी की दवाई भी लानी पड़ेगी उनसे बोल दो कि पेंशन आती है वह दे दो किराया अब हमें दे दे हमारा भी खर्चा चल जाएगा सुमन तुम नहीं सुधरोगी मैंने कैसे सोच लिया था तुम सुधर सकती हो मेरी पत्नी सुधर जाएगी माँ के लिए तुमने इतनी बड़ी साजिश की थी अब मैं ही क्या करता मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा करने को तैयार रहती थी मैं भी बच्चों के लिए चुप रह जाता था एक दिन माँ कपड़े धो रही थी और सुमन रूम में अपना टीवी चलाकर खिलखिलाकर हंस हंस के किसी से बात कर रही थी माँ सुन रही होती है सुमन मम्मी जैसा आपने बोला था मैंने वैसे ही किया अब मैं मज़े से रहती हूं सारा काम बुलिया करती है हाँ यहाँ भी तो वह फ्री में रह रही है खाना खाती है फालतू खर्च करती है इसलिए कुछ तो काम आएगी इतना सुनकर माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई माँ ने कैसे सोच लिया कि मेरी बहू बदल सकती है लेकिन माँ सोचती अब क्या करूँ गांव का घर भी किराए पर है अब माँ अपने गांव की सहेलियों को याद करके उदास होती है और बहुत अकेला महसूस करती है माँ अपने आप को वहां काम वाली बाई की तरह महसूस कर रही थी बस माँ अब उदास रहने लगी सुमन हमारे बच्चों का भी ध्यान नहीं रखती थी माँ का प्यार ही था जो बच्चों को भी देखती थी मां की उम्र हो गई थी अब क्या माँ ऐसे ही काम करती रहेगी मैंने आज सुमन से बात की सुमन तुम माँ से काम ना कराया करो उनकी उम्र अब काम करने की नहीं है सुमन बस जी आप तो रहने ही दो पूरा दिन आप बाहर रहते हो आपको पता है इस बुढ़िया के साथ टाइम काटना कैसा है मुझे अब यह बर्दाश्त नहीं होती है हमारे खाने का ही मुश्किल से हो पता है अब ये भी हमारी जिम्मेदारी है गांव के घर का किराया भी आता है पिताजी की पेंशन भी आती है वह हमें लाकर दे दे आराम से हमारा घर चल जाएगा आप समझते क्यों नहीं यही सही टाइम है ये सब लेने का मैं अपनी पत्नी की बातों से बहुत परेशान हो गया था इधर माँ सारी बातें सुन रही थी माँ मुझे सुबह को बोली बेटा गांव के घर का किराया ले आना गांव जाकर मेरी पेंशन भी मैंने कहा नहीं माँ मुझे ज़रूरत नहीं है सुमन की बातों का बुरा मत माना करो वह पागल है नहीं बेटा बहु सही तो कह रही है क्या करूंगी मैं इन सब का मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है आज नहीं तो कल तुम्हारा ही लेकिन मैं मना करके चला जाता हूँ लेकिन मेरी पत्नी तो बेशम की तरह थी उसने माँ के सारे पैसे ले लिए किराया भी सुमन के पास आने लगा अब माँ अपने आप को बेसहारा समझने लगी अब उनके पास कुछ नहीं होता है माँ एक दिन हमारी कॉलोनी में टहल रही होती है माँ की उम्र की औरत उन्हें वहां मिलती रहती थी एक दिन एक औरत माँ से बोली तुम मेरे साथ एक काम में मेरी मदद कर सकती हो क्या जी बताओ मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ आप और वह मेरी कुछ सहेलिया है जो हम सब एक काम शुरू कर रहे हैं वहां पर बच्चों की देखरेख करनी है वहां पर सब कॉलोनी की जो औरतें ऑफिस जाती है अपने बच्चों को हमारे पास छोड़ जाएंगे माँ को ये विचार बहुत अच्छा लगा माँ ने मुझे ये बताया फिर मैंने माँ के लिए एक पूरा घर किराए पर लिया और फिर माँ और मैं कुछ औरतें वहाँ अपने काम को शुरू करने लगती है वहाँ सभी औरतें अपने बच्चों को लाने लगी मां सबका बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी धीरे धीरे